तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमडी क्लासेस को एंड क्लिक करिए बेल आइकॉन पे इम्पोर्टेंट एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। देखिए आज हम लोग लेके आ गए हैं अलजेब्रा का पार्ट वन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके रेलवे एग्जाम के लिए, साथ ही साथ कई सारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसमें बात करेंगे कुछ और कई सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करिए, जिससे आपको सारे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर आप चाहते हो आपको कोई स्टडी मटेरियल या फिर पीडीएफ नोट मिले तो इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं अलजेब्रा में, पूरी हम लोग एकदम डिटेल से सारी चीज़ों को जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा में स्क्वायर के फॉर्मूले से। देखिए पूरी वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बीच में दो चार क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो रेलवे एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, मैं स्टार्टिंग में जो चीज़ें करा रहा हूँ आपके लिए थोड़ा सा कह सकते हैं कि वो बेसिक है, अगर आप उसको वो आपको वो चीज़ें नहीं पता तो आप थोड़ा सा आगे चीज़ों को नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए इस चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आपकी जो बेस है वो क्लियर होते रहें। देखिए सबसे पहला जो आता है वो ये दो फार्मूले हैं, ये दोनों फार्मूले से पूरी की पूरी अलजेब्रा आपकी खत्म हो जाएगी। पहला फॉर्मूला आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, एंड जो सेकंड आता है वो होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। रीजन दिक्कत क्या होती है, खाली यहाँ पे ए बी के पहले क्या होता है प्लस होता है और यहाँ पे ए बी के पहले क्या होता है माइनस होता है। रीजन आप सबको पता होगा, क्योंकि यहाँ पे तो स्क्वायर में प्लस आना ही आना है, क्योंकि स्क्वायर अगर हम माइनस नंबर का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ें तो कन्फर्म है कि ए बी के सामने माइनस आएगा, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब इस फार्मूले पे जो आपका एग्जामिनर है वो क्वेश्चन किस तरीके से बनाएगा, मैं आपको वो तरीका बताता हूँ। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस टू बाई थ्री एक्स में वो कौन सी संख्या जोड़ दे कि यह संख्या जो है पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी कि कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। इंग्लिश और हिंदी दोनों बच्चों के लिए मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन में ये बोलता है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू बाई थ्री एक्स में कौन सी संख्या जोड़ दें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी कि कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो इस पूरे क्वेश्चन में हम लोग जो यूज करेंगे वो इन्हीं दो फार्मूले का यूज करेंगे। अब फार्मूले का यूज करने के लिए भी आपको मेथड होना चाहिए, वो मैं तरीका आपको ये बताता हूँ कि कैसे हम फार्मूले का यूज करेंगे। देखिए ये क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या लगा हुआ माइनस लगा, और माइनस तो इस फार्मूले में कहीं हमको दिख ही नहीं रहा है। तो फार्मूला ही कौन सा होगा, ये वाला फार्मूला होगा। माइनस आता किसके सामने है, टू ए बी के सामने आता है। तो माइनस टू इंटू ए की जगह क्या हो सकता है बच्चा, क्या हमारे वन बाई थ्री इंटू बी की जगह क्या बचा वन बचा, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। इंटू क्या बचा ए की जगह टू हमने लिख दिया, फिर वन बाई थ्री बचा इंटू वन बचा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी बचा क्या हमारे पास, बी स्क्वायर वाला फार्मूला चीज़ बच गया हमारे पास। अब बी स्क्वायर में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नंबर नहीं लिखा था, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर होगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, यानी हमको यहाँ पे लाना क्या है वन बाई थ्री का होल स्क्वायर लाना है, तभी तो ये चीज़ें जो होती हैं ये क्या है यहाँ पे ए है और ये यहाँ पे क्या है बी है। तो ये क्या होगा बी का स्क्वायर होगा, यानी हमें जोड़ना क्या पड़ेगा वन अपान नाइन हमें जोड़ना पड़ेगा। बस इस क्वेश्चन में आपको यही तरीका समझना था और क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे जो भी मैं आपको वीडियो में कराऊँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम गुप्ता और मैं अनअकैडमी पर एक एजुकेटर भी हूँ। तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ से मुझे फॉलो करके मेरे सारे कोर्सेज को देख सकते हैं, जिसमें आपको कई सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज के बारे में जानने को मिलेगा। जैसे कि आपको वहाँ पे पॉलिटी के कोर्सेज मिल जाएंगे, मैथ के कोर्सेज मिल जाएंगे, और भी कई सारे एग्जाम के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल हो या फिर सेंट्रल लेवल हो, हर एक एग्जाम के लिए आपको कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेंगे। तो आप अनअकैडमी में मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा सकता है। सारे सारे क्वेश्चन जो बेस हैं, इसीलिए क्वेश्चन को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है 35 43 × 35 45 में हम कौन सी संख्या जोड़ दें कि संख्या पूर्ण स्क्वायर बन जाए। ये हमने मान लिया के संख्या हम जोड़ रहे हैं। अब इसको एक लगाने का तरीका यह है कि आप बीच वाले नंबर को एक्स मान लीजिए। मैं आपको सबसे पहला तरीका बताता हूँ कि अब एक्स मान लें क्या है 35 44 जो इन दोनों के बीच में है। तो ये क्या लिखा हुआ एक्स माइनस वन और ये क्या लिखा हुआ एक्स से एक ज़्यादा लिखा हुआ है। तो ये आपको बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी हमें क्या करना पड़ेगा ए स्क्वायर माइनस में हो रहा है तो यही ए स्क्वायर हम अगर प्लस कर देंगे तो ये दोनों चीज़ें कट जाएंगी, बचेगा क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर बचेगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें जोड़ना क्या पड़ेगा प्लस एक का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। ये तो था आपका ट्रेसनल तरीका, मुझे आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो तरीका होता है एक्चुअली में जो तरीका होता है वो क्या होता है वो हम कैसे लगाते हैं मैं आपको बताता हूँ। सिंपल है,
हम इसका लास्ट नंबर और इसका लास्ट नंबर देखेंगे, तो 5 और 3 लिखे हुए हैं, हम दोनों को माइनस कर देंगे। हमने माइनस कर दिया, हमारे पास आ गया 2। जो भी हमारे पास आएगा उसको 2 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर कर देंगे, वही हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैंने क्या बताया कि हम लास्ट के दोनों नंबर देखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 2 से, जो भी आएगा उन दोनों का माइनस करने के बाद डिवाइड कर देंगे 2 से, जो भी आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे, वही हमारा नंबर हो जाएगा। अब इसी मेथड पे जो अगला क्वेश्चन है वो आप लोग तुरंत लगाइएगा और अपने जो आंसर हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जिसका आंसर सही होगा मैं उसके आंसर को लाइक कर दूंगा और जिसका गलत होगा उसे मैं कोई लाइक या डिसलाइक नहीं करूंगा। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि आंसर आपका क्या आएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत दीजिए। मैंने आपको जो भी मेथड बताया है, आपको उन दोनों मेथड से जो भी सॉल्व समझ में आया उसका क्वेश्चन का आंसर तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। साथ ही साथ अगले मंडे से जैसे ही रेलवे के पेपर खत्म होगा तो हम लोग अपने चैनल के लिए एक नया शेड्यूल लेके आने वाले जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो अलजेब्रा के क्वेश्चन आप जो प्रैक्टिस करते हो, आपको जो क्वेश्चन नहीं आ सकता आप वहाँ से पूछ सकते हैं। चलिए मैं इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको पहले बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4। अब वो कैसे है उसके बारे में बात करते हैं। मैंने आपसे कहा कि लास्ट के नंबर देखते हैं, तो 8 और 4 है, हम दोनों का माइनस करेंगे, हमारे पास आ गया 4। जो भी नंबर आता है उसको हम डिवाइड करते हैं 2 से, आ गया हमारे पास 2। जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4। तो बिल्कुल सिंपल तरीका था, बिल्कुल आसानी से आपको तरीका समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो एक मेथड बनता है जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आपको पूछा जा रहा है, यहाँ से जो रेलवे परीक्षा में आ रहा है, मैं उसकी बात करता हूँ। सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान से अगर आप समझेंगे तो काफ़ी अच्छा आप पकड़ लेंगे और विद इन सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आप हल्का सा भी लापरवाही बरतोगे, वीडियो को अगर आप फॉरवर्ड करोगे ज़्यादा, तो अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, एक बार चीज़ अगर आपके माइंड से क्लिक नहीं हुई तो फिर चीज़ें दिक्कत हो जाएंगी और आपको फिर समझ नहीं आएगा। देखिए जो इंपॉर्टेंट है मैं वो क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि इस तरह से आपके पास क्वेश्चन लिखे होते हैं कि इफ़ एक्स प्लस 1/x इक्वल टू आपके पास लिख देता है 4, तो आपसे कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताओ, तो आप नहीं बता पाते। या आपसे कहता है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बताओ, तो भी आप नहीं बता पाते। क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि आपका बेस नहीं क्लियर है, आपने सोचा भी नहीं हल्का सा। अगर आप हल्का सा भी सोचोगे तो तुरंत बता दोगे। अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तो तरीका ये है कि आप इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दोगे तो आपका सीधे ये टर्म आ जाएगा। दूसरा तरीका, जो नंबर दिया आप इसका क्यूब कर दो तो आपका ये टर्म आ जाएगा, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो डाटा आपको सिर्फ 4 दिया हुआ है, यानी आपको 4 लिखा हुआ डाटा है, तो डाटा यहाँ इजी है। लेकिन अगर वो डाटा बड़ा होता तो आप क्या उसका स्क्वायर करते, जरा आप सोचिए। फिर उसका स्क्वायर करते, फिर हम 2 गुणा करते, आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी करते, तो फिर लंबा हो जाता सारी चीज़ें। तो उसी चीज़ को आसान बनाने के लिए किया क्या गया उसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए जब कभी भी, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, एकदम सारी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरी लास्ट तक की वीडियो देखिएगा, बिल्कुल एकदम ध्यान से सुनिएगा कि जब कभी भी आपको x प्लस 1/x कुछ भी दिया हो, 4 दिया हो, 6 दिया हो, 8 दिया हो, ये प्लस में दिया हो, बस इसका ध्यान रखिएगा, ये भी आपके पास प्लस में दिया हो, तो उससे हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो आएगा, जो भी नंबर दिया होगा उसका स्क्वायर करके हम 2 घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा कि अगर हमें x प्लस 1/x मान लीजिए a दिया है, वो a 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, तो अगर हम उसको स्क्वायर निकालना तो सीधा जो फार्मूला होता है वो होगा ए स्क्वायर माइनस 2। अगर हमको क्यूब निकालना तो सीधे फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस 3 इंटू ए। ये ए क्या है, जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू होती है। पहले तो आप क्या करो, इस चीज़ों को नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको इस पर इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको रेलवे में जो क्वेश्चन आएगा आप बिना पेन उठाए उस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, मेरी गारंटी है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे कराऊंगा अभी आपको बताता हूँ आगे। पहला तो आप इसको नोट डाउन कर लो कि अगर x प्लस 1/x कुछ दिया तो स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे और क्यूब कैसे निकालेंगे। चलिए अब बताते हैं क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, कौन से क्वेश्चन आते हैं। चलिए जैसे मानिए एग्जामिनर ने आपके पास क्वेश्चन दे दिया कि x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है, तो जरा ये बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू बताओ, ये कैसे निकालोगे। सिंपल, मैंने क्या कहा, जो भी नंबर दिया जाएगा उसका स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 में से 2 गया 14। फिर एग्जामिनर आपसे पूछता है जरा बाबू ये बताओ कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने आपसे सिंपल कहा कि जो भी नंबर दिया रहेगा उसका क्यूब कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 3 टाइम्स उसी नंबर का, फिर माइनस कर देंगे, तो 4 चौक 16 चौक 64 माइनस 13 12, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। अब एग्जामिनर आपसे भी होशियार है, वो करेगा क्या, आपको ये वैल्यू देगी एक्स प्लस 1/x बराबर 4, आपसे कहेगा जरा हमको एक्स पावर 4 और 1/x पावर 4। अगर वो आपसे ज़्यादा होशियार है तो अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो एग्जाम को क्रैक करना, तो आपको उससे ज़्यादा होशियार बनना पड़ेगा। वो आप कैसे निकालोगे, तो आपको पता कि सीधे तो कोई फार्मूला है नहीं एक्स की पावर 4 का। अगर सीधे कोई फार्मूला नहीं है तो हमको बीच में कोई टर्म मिलेगा, फिर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा मामला बन सकता है। तो सीधे तो कोई फार्मूला आपको बताया भी नहीं और सीधे से कोई फार्मूला है भी नहीं, तो करना क्या होता है कि एक्स प्लस 1/x 4 है, तो पहले हम क्या करेंगे उसका स्क्वायर निकाल देंगे।
जब हम स्क्वायर हमारा 14 आ गया तो फिर इसी स्क्वायर के बाहर और स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर अगर आप कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो फॉर्मूला तो वही लगेगा कि हम स्क्वायर ही कर रहे हैं, और स्क्वायर करने में क्या करेंगे, इस 14 का स्क्वायर करेंगे जो भी रहेगा नंबर, और 2 क्या करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे। बस 14 का स्क्वायर करने के बाद 2 माइनस करोगे तो 196 होता है, कितना आ जाएगा 194, एक्स पावर 4 प्लस अनुपात एक्स पावर 4 आ जाएगा। मुझे लगा कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ये जो तरीका आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि आपको बेहतरीन तरीका बता रहे हैं और सिंपल क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। और जो आपके रेलवे का पेपर चल रहा है एलपी का हो या फिर ग्रुप डी का हो, तो इसी तरीके से क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आप विद इन सेकंड क्वेश्चन को बिना पेन उठाए सॉल्व कर लोगे। इसके अलावा मैथ के और भी टॉपिक्स पढ़े आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब इस पर थोड़ा सा, वो और क्या आपको दे सकता है उसके बारे में बात करते हैं। अब एग्जामिनर क्या करेगा, वो ये सोचेगा कि आपके लिए तो चीज़ें आसान होगी प्लस में प्लस से, अब वो थोड़ा सा कठिन बनाने के लिए क्या कहेगा कि जरा एक्स माइनस वन अपान एक्स की वैल्यू उसने दे दिया कि ये 4 है, अब तुम बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर वैल्यू। तो आप कहोगे सर तो आपने अभी तक तो बताया है नहीं, आप तो प्लस से प्लस वाला बताया है, तो हम फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो कुछ नहीं है, बस आपको याद ये रखना का कि माइनस से प्लस आपसे पूछ लेगा तो स्क्वायर तो हम करेंगे ही करेंगे, जहाँ हम दो जोड़ रहे घटा रहे थे वहीं हम क्या कर देंगे यहाँ पर दो जोड़ देंगे। लेकिन कब दो जोड़ेंगे, जब यहाँ पे माइनस वाला हमें दिया रहेगा यानी एक्स माइनस वन अपान एक्स दिया रहेगा, और हम क्या निकाल देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर निकाल देंगे। तो हमें वहाँ माइनस करते तो वहीं पे क्या करेंगे दो जोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन क्यूब वाले में अलग चिन्ह नहीं आते हैं, क्यूब वाले में क्या होता है कि आपको एक्स प्लस वन अपान एक्स वैल्यू मान लीजिए 4 दिया है तो आपसे क्यूब पूछ लेगा तो आप घटा दोगे, लेकिन वो अगर अलग करता है वैल्यू तो ये माइनस कर देता है कि एक्स माइनस वन अपान एक्स वैल्यू 4 दिया है तो एक्स बार क्यूब अपन अपान एक्स क्यूब की वैल्यू निकालो। तो सिंपल हम कर देते हैं ए क्यूब, जहाँ पे हम माइनस में 3 कर देते वहीं पे हम प्लस में 3 कर देंगे, बस हमारा क्वेश्चन आसान तरीके से बिल्कुल आसान लेवल का लग जाएगा। देखिए इस पे एक और हाई लेवल का क्वेश्चन जो ये बनता है वो बनता है एक्स पावर 5 बताने को, एक्स पावर 7 बताने को, एक्स पावर 11 बताने को, लेकिन वो सब मेंस लेवल के क्वेश्चन है। जब मेंस का पेपर आपका लगेगा चाहे सीजल मेंस हो या फिर कोई भी मेंस हो, तो हम इसको और भी आगे बढ़ाएंगे और वो सारी चीज़ें भी आपको क्लियर करा देंगे जिसमें आपको कोई भी ना कोई दिक्कत होती थी। अब चलिए और भी कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं जो आपको भी लगाने रहेंगे, और वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना रहेगा। चलिए जैसे कि एग्जामिनर ने ये कह दिया कि भाई हमने x प्लस वन अपान एक्स वैल्यू तो तुमको 4 दे दी, तुम इससे प्लस का स्क्वायर भी निकाल लोगे, लेकिन क्या तुम इससे माइनस का स्क्वायर निकाल सकते हो। अब आप तो जल्दी जल्दी में क्या करोगे, तुरंत इसका स्क्वायर करोगे, प्लस करोगे तो कहोगे आप सर आपने कहा था अपोजिट साइन दिया तो तुरंत निकाल देंगे। लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा था आपसे कि अपोजिट साइन नीचे दिया होगा, अपोजिट साइन तो वो एक्स माइनस वन अपान एक्स वाली दिया रहेगा, नीचे थोड़ी दिया रहेगा अपोजिट साइन, नीचे हम कैसे बना लेंगे। तो हम नीचे के लिए करेंगे क्या, ये आपको ये बताते हैं। देखिए तो हमको ऊपर वाला माइनस बनाना पड़ेगा किसी तरीके से, वो हम कैसे बनाएंगे देखिए आपको बताते हैं। सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन में आपके ये कह रहा है एक्स माइनस वन अपान एक्स दे दिया, एक्स प्लस वन अपान एक्स हमसे ये पूछा है। अब जरा आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह आपको दिख रहा है कुछ, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये टूटेगा क्या ए प्लस बी में, और ए माइनस बी में टूटेगा कि नहीं टूटेगा, पहले ये बताइए। आपको कहोगे सर बिल्कुल टूटेगा। इसकी वैल्यू हमको पता है कि नहीं पता है, बिल्कुल पता है। इसकी वैल्यू हम निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वही चीज़ इंपॉर्टेंट है, और वही चीज़ आपको हम समझाते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो देखिए देखिए अब हमको यानी निकालना क्या है, ये माइनस वाला टर्म निकालना है कि एक्स माइनस वन अपान एक्स कैसे आएगा, कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए कैसे आएगा, देखिए अगर आपसे ये क्वेश्चन कहा है तो आप इसका स्क्वायर निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लेंगे सर। कैसे आएगा, 4 × 16 में से 2 गया 14, ये आ गया। अगर आप इधर भी 2 माइनस कर दो, इधर भी 2 माइनस कर दो, तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ये किसके फॉर्म में हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान एक्स का होल स्क्वायर हुआ उस फॉर्म में, और ये हो गया आपके पास 12। आपके लिए उस फॉर्म में हुआ नहीं हुआ ना, नहीं समझ में आया ना, मैं बताता हूँ कैसे आएगा। ये देखिए दोस्तों, ये लिखा हुआ क्या ए स्क्वायर, ये लिखा हुआ बी स्क्वायर, और ये लिखा हुआ माइनस 2ab। ए बी कहाँ हट गया, क्योंकि एक्स और इंटू वन अपान एक्स करेंगे दोनों कट जाएंगे, तो इसीलिए माइनस 2 बचा। तो एक्स माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 2 12। तो इसको अगर स्क्वायर हटा दे रूट में 12 आ जाएगा, और 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3 अंडर रूट में, और 4 जब बाहर आता है तो 2√3 होता है, तो हमें वैल्यू पता चल गई एक्स माइनस वन अपान एक्स की क्या होगी 2√3 होगा। तो इसका जो सही आंसर आ गया वो कितना आ गया 8√3, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आ गया। तो आपसे एग्जामिनर क्या कर सकता है, कई सारे क्वेश्चन और भी वो बना सकता है, जैसे प्लस वाला आपको दिया तो माइनस उसने पूछ लिया, माइनस से प्लस तो मैंने आपको बता दिया निकालने को, वो आप निकाल सकते हो। तो और भी इसी टाइप से क्वेश्चन बनते रहते हैं, पावर मैंने आपको बताया कि पावर 5 भी पूछता है, पावर 7 पूछता है, तो वो भी सब आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करते हैं, मैं अपने अगले वीडियो में आपको कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जो रेलवे एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू सो मच।